हेलो दोस्तों, केस पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चलेगी। दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के फॉर्म पड़े थे उसका जो फॉर्म उस समय पड़े हुए थे जुलाई में, उनके लिए दोबारा से ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं। उसी में दोबारा एक्सटेंड करके दिया गया जो हेड कांस्टेबल, जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेले प्रिंटर के जो जॉबें आई हुई थी उसमें, जिसमें दोबारा से आपके क्या है एग्ज़ाम बिगिन किए गए, मतलब कि फॉर्म ऑनलाइन किया गया जिसमें करेक्शन वगैरह या दोबारा से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर था क्या, जो वैकेंसी थी आपको बता दें, वैकेंसी जो थी वो जनरल के लिए 171, ईडब्ल्यूएस के लिए 46, ओबीसी 102 और एससी के लिए 86 और एसटी के लिए 54 थी। टोटल जो वैकेंसीज थी यहाँ पर दी गई थी 573 वैकेंसीज थी, ठीक है। इसमें हेड कांस्टेबल के लिए जो थी इसमें 284, और अगर यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज जो काउंटिंग एज मांगी गई थी 1 जुलाई 2022 से मांगी गई थी, ठीक है। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट थी, ठीक है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर तो आप देखा ही हो, इसका सिलेबस क्या है देखिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, एनसीसी सी ग्रेड या बी ग्रेड, ए ग्रेड वालों के लिए किस तरीके से यहाँ पर मार्क्स की छूट दी जाएगी, वो यहाँ दी गई है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड जो है अगर देखा जाए तो ऑनलाइन 100 रुपये से फीस पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, हाँ, अगर इसकी हम फिज़िकल की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट में आपको 170 हाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद चेस्ट जो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो इनका बाकी जो दे रखा शेड्यूल किस तरीके से होगा, टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद ही आपको इसके में होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस अभी इसमें बता रहा है कि क्या क्या रहेगा। सिलेबस इसका थोड़ा चेंज है क्योंकि बाकी एग्जाम से इंग्लिश पूछते, इसमें इंग्लिश नहीं दी है, इसमें कंप्यूटर और साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और साइंस है, उससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एग्जामिनेशन में जो इसकी एग्जामिनेशन मोड होगा तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपका एसएससी लेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन आपको यहाँ क्वालिफाई करना होगा, ट्रेड टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस यहाँ पर क्वालिफाई होगा। उसके बाद जाके आपको यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड प्रोसेस बाय दिल्ली पुलिस 1000 की विपरीत 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपको 1000 की को दबाना होगा जो कि इसमें दिया गया। और साथ में आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके यहाँ पर जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चन, जीके के साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 आएंगे और रीजनिंग के 20 आएंगे, और यहाँ पर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे से अगर हम बताएं कि इसमें क्या जो सब्जेक्ट्स में क्या क्या, तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट जो है उस तरीके से रनिंग जो है आपको यहाँ पे 1600 में आपको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा, और यहाँ पे 12.5 फीट आपको दौड़नी होंगे, हाई जंप 3.5 फीट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर फीमेल के लिए भी वही दे रखा है क्या क्या है, तो यहाँ पर 5 मिनट में 800 मीटर उन्हें दौड़ना होगा और हिसाब से उनकी जो भी है जंप होगी, ठीक है। हाइट आपको बताई दीजिए। तो दोस्तों, इसको ऑनलाइन कैसे करना है, इस चीज़ के रिगार्डिंग हम आपको बता देते हैं कि कैंसिल इनकरेक्ट अगर नहीं करे होते तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके पास कोई आधार कार्ड होगा तो उसमें यस या नो बताना है, तो उसका नंबर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करना होगा, ईमेल आईडी हो गई आपकी, ये सब चीज़ें हैं, ईमेल आईडी हो गई और ये सब नेम हो गया, नेम वेरीफाई हो गया, ठीक है। चेंज नेम वगैरह अगर करना है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है, यस या नो करके। उसमें अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो फादर नेम वेरीफाई करना, मदर नेम आपको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल में पढ़ी है वो डालनी होगी, और यहाँ पर इस तरीके से आपको दे रखा है। उसे क्वालिफिकेशन जो आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन आपको डालनी होगी, रोल नंबर उसका जो भी होंगे वो डालने होंगे वेरीफाई, और पासिंग ईयर आपकी क्या है, जो उसमें एजुकेशन मांगी वो आपको डालनी होगी, जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका है, और जो हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या वो डालनी होगी, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा वेरीफाई, फिर ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, आप किस स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद सेव पर आप जो क्लिक करेंगे तो उस टाइप का आपको यहाँ पर खुल के आएगा, इसमें आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट करना होगा कि जो आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एनसी सिटीजन आपके इंडियन है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको डालनी होगी, और आपकी बॉडी पर कोई ऐसा मार्क्स बताना होगा जो आपको वहाँ जब जाओ तो वहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा, जहाँ आप रहते हैं, जिस तरीके रहते हैं, और यहाँ पर जो सेम अगर परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपको यहाँ पर यस कर देना, नहीं है तो दूसरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद आपको इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर एग्री के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो इस टाइप का कुछ प्रीव्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कुछ प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू अगर आप देखते हो, ठीक है, इसमें आपकी पूरी डिटेल होगी कि आपकी एज क्या है, आपकी मतलब ये जो भी आपने फिल किया उसका प्रीव्यू आ जाएगा। हाँ, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीधे आपका जो फिल होगा तो यहाँ पर आपको सेंटर वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं कि क्या सेंटर वगैरह है, ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट वगैरह जो भी है सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्म जो है आपका यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मतलब जब ये हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो यहाँ पर दिया गया, जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पर वही डिटेल जो आप रजिस्ट्रेशन में डालते वो आ जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको भरनी होंगी, जैसे कि आपका आपको किस जो एग्ज़ाम होगा किस भाषा में चाहते हैं वो भाषा आपको इसमें भरनी होगी, और सेंटर जो आप क्या चूज़ करेंगे वो सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको अपनी डालनी होगी,
ठीक है, हाईस्ट क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या पास किया ये सब जो है 12 यहाँ पर 12 स्टैंडर्ड जो मांगा गया उसी की डिटेल डालनी होगी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए फिर यहाँ पर क्या है आपको फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, फोटो सिग्नेचर में ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब 3 महीने पुरानी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर चेकअप के। ठीक है, और सिग्नेचर भी वैसे डाल देना है। यहाँ पर आप अपना कैप्चर डालेंगे, प्रीव्यू देखेंगे, उसके बाद ठीक है ये फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये इसमें दे रखा है, ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अदर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे उस चीज़ को बताया गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी पर सरकारी जो रिजल्ट आया उससे लेटेस्ट जो भी आती है आपको बता दी जाएंगी, और साथ ही इस पर जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।